Hey guys, what's up? Welcome back in my channel with Be Perfect with Nisha. And hi, I am Nisha here. कैसे हो आप सब लोग? And अब मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट. तो जैसे कि आपने टाइटल में देखा अबाउट द रियलिटी अबाउट इलोशन एटी स्किन क्रीम जो मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी हूँ एंड उसके रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैंने प्लेलिस्ट बना के रखे हैं. सो सबसे पहले जाके वो सारे प्लेलिस्ट में से वीडियोस देखो, आपके डाउट्स पक्का क्लियर होंगे. राइट तो ये है इलोशन एचटी क्रीम जो इस तरह के ट्यूब फॉर्म में होता है एंड इट इज़ 15 ग्राम और 30 ग्राम में भी अवेलेबल हो जाता है. राइट एंड इसके पहले तो मैं यूजेस बता देती हूँ. ठीक है तो यूजेस इसके ये हैं, आपको इसको नाइट में अप्लाई करना है, नाइट में फेस पे अप्लाई करना है अगर ब्राइटनेस चाहिए तो. ठीक है, हिला क्यों रही है घड़ी घड़ी, इतना भी आर्ट नहीं, खाली छोड़, खाली ऐसे पकड़ रख, हल्के हाथ से गिरे नहीं, बस ऐसे दबा क्यों रही है. हाँ तो नाइट में अप्लाई करना है फेस पे, ब्राइटन अप के लिए नाइट में अप्लाई करना है. नाइट में इसको अप्लाई करके आफ्टर बिफोर 1 आवर अगो जब भी आप सोने जाते हो तो इसको बिफोर 1 आवर अगो अप्लाई कर लेना है. अप्लाई अपने फुल फेस पे अप्लाई कर लेना है, जैसे फेस पैक कैसे अप्लाई करते हो वैसे ही अप्लाई करना है. एकदम जैसे इसका कंसिस्टेंसी आप देखोगे, क्रीम की कंसिस्टेंसी है, आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा लाइक दिस. तो अब्सॉर्ब भी हो जाएगा एंड कुछ दिनों बाद ये आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा. सो कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि इसके साइड इफेक्ट हैं क्या, इसके मतलब स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बाहर जा सकते हैं ये सब. सो गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पहले तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक करो क्योंकि हर वीडियो में आंसर करना इट्स नॉट सो पॉसिबल. एंड वीडियोस जो भी आपके हैं वो एक ही वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना दिए हैं एंड प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिए ताकि आपको ढूंढने में ईजी पड़े इसीलिए. एंड अप्लाई कर लेना, थोड़े दिन के बाद आपको ये रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा. हैज़ आई सेड माय मेलास का एक रिव्यू दिया है, मेलास क्रीम का, जैसे ऐसे ट्यूब फॉर्म में भी होता है वो भी, तो जैसे मैंने उसको यूज़ किया था मुझे बहुत ही ज़्यादा जलन सी ऐसा वैसा मैंने उसमें बोला था क्योंकि मुझे रियल एक्सपीरियंस में आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जलन हुआ था. सो अगर आपके ऐसा ही एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ होता है तो आप इस क्रीम के क्या, कोई भी क्रीम के साथ आपका अगर वैसा एक्सपीरियंस होता है जैसे जलन होना, रेडनेस ज़्यादा होना, मैं जितना बता रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा होना, जैसे कि जलन, रेडनेस या ईचिंग होना पूरा, लाइक स्किन बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो जाना, ऐसा कुछ भी इनमें से होता है तो आप इनको यूज़ ना कीजिए. मैं फर्स्टली आपको ये बता रही हूँ यूज़ मत करना. एंड अगर मैं जैसे मेरी बात है, मैंने इसको आप यूज़ किया है, पहले तो कंटिन्यू मैं यूज़ करती हूँ, डेली यूज़ कर सकते हैं, नाइट में यूज़ करना है, स्किन पे लगा के आपको छोड़ देना है, देन जैसे ही मॉर्निंग होती है आप वेकअप होते हो तो आपको फेस वॉश कर लेना है. तो इससे थोड़े दिन में जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा. जैसे कि अगर डार्क स्किन है तो वो जैसे लगाओगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी पीलिंग होने वाली है वगैरह, लाइक थोड़े दिनों में आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा. जैसे मेरे इन केस में हुआ, मैंने ये यूज़ किया, थोड़ा सा जलन होना वो तो पॉसिबल ये होता ही है, बट बहुत ज़्यादा होना, ओवर होना वो नहीं चलता है. मेरे को भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा जलन हुआ था बट इनफैक्ट जब मेरे को रिजल्ट देखने को मिला उसके बाद जो मैं अगर रिजल्ट होने के बाद जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं डेली इसको अप्लाई करूँ, डेली मतलब ये लगाऊँ. मैं क्या करती हूँ, जस्ट 3-4 डेज़ के आफ्टर 3-4 डेज़ बीच में गैप दे के उस दिन एक बार अप्लाई कर लेती हूँ. अगर फिर रिजल्ट देखने के बाद आप लाइटली भी अप्लाई करोगे ना एकदम हल्का हल्का सा तो भी चलेगा. बस जस्ट आपको क्या करना है, रिजल्ट मिलने तक अप्लाई करना. अगर आपको कोई भी
आपके स्किन पे देखने को नहीं मिलता है। तो इट्स अ गुड एंड आप इसे यूज़ कर सकते हो। लाइक कुछ की स्किन क्या होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, कुछ की ऑयली होती है, कुछ की नॉर्मल होती है, कॉम्बिनेशन होती है, ड्राई होती है। तो इन केसेस में क्या है, कुछ लोगों को शूट करता है एंड कुछ लोगों को नहीं भी करता है। ये अप्लाई करने के बाद कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, मतलब नॉर्मल हो गई है, अच्छा लग रहा है। एंड कुछ लोगों को क्या, थोड़ा ऑयलीनेस फील हो रहा है। या तो इसको लगाने के बाद, जैसे अगर इसको आप स्टार्ट करोगे तो आप, अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा है या सन सन में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो धूप में, तो आपको सनस्क्रीम यूज़ करना ही है। अगर ये आप यूज़ नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको सनस्क्रीम यूज़ करना ही है, बिकॉज यूवी रे से जो डैमेज आपके स्किन को होता है ना, वो बहुत ही ख़राब डैमेज होता है। सो इसीलिए यूवी जो सनस्क्रीम है वो यूज़ करना है आपको, मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, जो नॉर्मल बेसिक थिंग्स होते हैं वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। दैट्स फॉर इट। एंड ये जो है मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन में भी आप परचेज कर सकते हो अगर आपके सर्विस उधर चालू हो तो, आ भी जाएगा एक्सटर्नल यूज़ के लिए, इंटरनल यूज़ के लिए ये नहीं है। एंड इसको स्टोर कहाँ करना, आप इसको अपने फ्रिज में स्टोर करोगे तो ठंडा ठंडा आप लगा भी सकते हो एंड इसका बेटर रिजल्ट और मिल सकता है आपको। नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। एंड इसके एक एक्सपायरी डेट जो है वो हर प्रोडक्ट की आप देख के परचेस कीजिएगा। सो दैट्स फॉर इट टुडे गाइस, होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर और कोई डाउट्स है तो मेरे प्लेलिस्ट जरूर चेक करना और कमेंट में भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।